बढ़ेंगे जिक्र, अब दिल्ली का करेंगे। राजमाता की तबीयत नाजुक हो चुकी है। चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली रवाना हुए सिंधिया परिवार। डॉक्टर का फोन आते ही परिवार पूरा भाग गया। दो दिन पहले बता दें गंभीर सर्जरी हुई थी, पिछले 50 दिन से एम्स में भर्ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, राजमाता की तबीयत नाजुक हुई, क्या कुछ जानकारी अपडेट इस मामले में? अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो राजमाता की तबीयत अचानक से नाजुक हुई है, बता दें सर्जरी उनकी हुई थी दो दिन पहले और तभी से अस्पताल में वो भर्ती थी। और जैसे ही खबर मिली सिंधिया परिवार को कि उनकी हालत नाजुक हो गई है, चुनाव प्रचार छोड़ करके दिल्ली के लिए पूरा परिवार जो है रवाना हो गया। डॉक्टर का फोन आते ही पूरा परिवार रवाना हुआ। बता दें दो दिन पहले गंभीर सर्जरी हुई थी। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि पिछले 50 दिन से एम्स में भर्ती हैं राजमाता। तो राजमाता की तबीयत अचानक से बिगड़ चुकी है, नाजुक हो चुकी है। सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद और अब हालत नाजुक होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, राजमाता की अचानक से तबीयत नाजुक हो गई है, पूरा परिवार एम्स की तरफ पहुंचा है, फिलहाल क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रिय दर्शनी राजे सिंधिया वो भी आ गई थी, उनके बेटे वो भी आ गए थे सिंधिया की। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अपना चुनाव प्रचार में लगे रहे थे, लेकिन अब उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो पूरा परिवार जो सिंधिया परिवार है वो यहाँ दिल्ली लौट रहा है और एम्स में भर्ती राजमाता को देख आएगा। उनकी हालत लगातार गंभीर, पिछले जी अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।